नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हूं स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा, और आज हम बात करेंगे उस ग्रह की जिसका संबंध है आपकी सुंदरता से, जो कारक है आपकी बुद्धि, वाणी और एकाग्रता का, जिसे ग्रहों में सबसे सुंदर कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह की। बुध अगर आपकी कुंडली में बलवान है तो ये किसी वरदान से कम नहीं होता, लेकिन बुध के कमजोर होने पर और कौन सी समस्याएं आ सकती है, चलिए दिखाते हैं आपको इस खास पेशकश में। तेज दिमाग, सुंदर त्वचा, मीठी वाणी, अच्छी एकाग्रता, ग्रहों की युवराज, ग्रहों में सबसे सुंदर ग्रह कहे जाने वाले बुध इन सबसे परिपूर्ण है। नौ ग्रहों में बुध ग्रह को सबसे सुंदर और राजकुमार ग्रह कहा जाता है। इनके पास पृथ्वी तत्व है और ये कन्या और मिथुन राशि के स्वामी हैं। बुध ग्रह बुद्धि, एकाग्रता, वाणी, त्वचा, सौंदर्य तथा सुगंध और व्यापार का कारक है। बुध ग्रह संचार और कान नाक गले से भी संबंध रखता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है, गणित और आर्थिक मामलों में सफलता मिलती है। बिना बुध के बुद्धि का होना लगभग असंभव है। कुंडली में नौ ग्रह होते हैं, नौ ग्रहों में जो राजकुमार कहा जाता है ग्रह, वो होता है बुध ग्रह। बुध ग्रह हम व्यक्तियों की, हम इंसानों के जीवन में जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है उनको ही देता है, जैसे कि बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस मतलब कि यहाँ पे धन, धन के बिना कोई घर नहीं चलता। बुध का बहुत बड़ा हाथ होता है कि व्यक्ति का बिजनेस कैसे जाएगा। दूसरी चीज बुद्धि, बुद्धि ही ग्रह वो है जो कि इंसान की बुद्धि को सही रखता है, तेज चलाता है, उसे स्मार्ट बनाता है। तीसरी चीज है कि बुध आपको वाणी देता है, कन्वर्सेशन देता है। तो बुध ग्रह की महिमा हमारे जीवन में, इंसानों के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब कुछ आपको मिल सकता है, बस जरूरी है कुंडली में बुध का मजबूत होना। सुंदर त्वचा चाहते हैं, तेज बुद्धि चाहते हैं, या फिर पढ़ाई में अव्वल होना चाहते हैं, तो बुध को बलवान करना बेहद जरूरी है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपको तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह मजबूत है और हमारी कुंडली के लिए अच्छा है, तो बुध जो है, जैसा बताया कि दिमाग को रूल करता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, हमारा दिमाग अच्छा काम करेगा। और कहीं अगर बुध का कनेक्शन शुभ होते हुए राहु से हो गया तो साइंटिस्ट भी बुध ही बनाता है। तो ये सब चीजें बुध रूल करता है। तो अगर किसी की कुंडली में बुध मजबूत है और उसके लिए फायदेमंद है, बेनिफिक है अगर कुंडली में, तो इंसान का दिमाग बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा प्रयोग करेगा वो। बुध कान नाक गले से भी संबंध रखता है। बुध से बुद्धि की प्रखरता आती है। इसके साथ ही गणित और आर्थिक मामलों में सफलता भी बुध से ही मिलती है। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं, आइए जानते हैं। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं। व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है। चीजों को समझने में काफी समय लगता है। व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है। धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। धोखा, छल और फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। बुध ग्रह जब गड़बड़ी देता है या बुध ग्रह जब प्रॉब्लम देता है, तो सबसे पहली जो समस्या किसी को आती है वो होती है मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन की स्थिति बनाता है। क्योंकि बुध इतनी तेज, इतनी रफ्तार से घूम रहा होता है, इतनी गति से घूम रहा होता है, वैसे ही व्यक्ति के विचार घूम रहे होते हैं, जिसे आप लोग आम भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। तो बुध सबसे ज्यादा सेहत पे जब असर करता है तो आपके दिमाग के साथ खेलता है, उनके विचारों की संख्या इतनी बढ़ा देगा कि आप टेंशन में आ जाएंगे, और माने या ना माने चिंता ही आपकी बाकी बीमारियों का कारण बनने लग जाती है।
तो बुध को ठीक रखना या बुध के उपाय करना आपकी सेहत में, खास तौर पे आपके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इन तमाम समस्याओं का समाधान बुध ग्रह के पास ही है। मजबूत बुध क्या वरदान देता है ये भी समझिए। व्यक्ति हाजिर जवाब होता है, व्यक्ति चीजों को जल्दी समझता है और लंबे समय तक याद रखता है, व्यक्ति का चेहरा चमकदार होता है। कुंडली में बुध मजबूत हो तो व्यक्ति सुगंध प्रिय होता है। अगर कुंडली में बुध कमजोर है या पाप ग्रहों से ग्रसित है तो हमारा दिमाग जो है वो धीरे काम करेगा, या हमारी जो कम्युनिकेशन है वो उसमें दिक्कत होगी, सुनने में दिक्कत होगी, लेट बोलना या नहीं बोलना, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस की जो समस्या है वो देता है बुध, स्किन के इश्यूज होते हैं, और भी मेन जो होता है वो दिमाग होता है, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो भी हेल्थ की जो समस्याएं होती हैं वो कमजोर बुध। तो अगर कुंडली में बुध कमजोर है तो ये सब जो नुकसान होते हैं ये जातक को मिलते हैं। बुध को बलवान करना यानी जीवन के हर क्षेत्र में वरदान पाना है। सबसे पहले समझिए बुध को मजबूत करने के आसान और अचूक उपाय। भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग करें। भोजन हमेशा प्रसन्न मन से करें, कभी कभी थोड़ा चटपटा भोजन भी करें। दाल में हींग का प्रयोग भी लाभकारी होगा। वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें, चीखने चिल्लाने से जहां तक हो सके बचें। संगीत का प्रयोग और मंत्र का जप करते रहें। कांसे का एक छल्ला धारण करें। अपने ननिहाल से संबंध ठीक रखें। अपने घर में आसपास ग्रीनरी लगा के रखना, ग्रीनरी सेट करके रखना, यानी कि बहुत ज्यादा पेड़ पौधों का इस्तेमाल करना अपने घर में, अपने बेडरूम में। कई सारे ऐसे भी पेड़ पौधे आते हैं जो कि इंडोर भी रह लेते हैं, और ऐसे पौधों को लगाना। आप जितना पौधों के ग्रीनरी के सराउंड में रहेंगे आपका बुध उतना ही ठीक होने लग जाता है। दूसरा महा उपाय, बुध का रत्न होता है पन्ना रत्न, जो कि हरे रंग का होता है। आप इसे भी ज्योतिषी सलाह के बाद पहन सकते हैं, धारण कर सकते हैं। कान नाक और गले का संबंध बुध से होता है। कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो त्वचा के साथ साथ कान नाक गले संबंधी समस्याएं भी परेशान करने लगती हैं। सुनने और बोलने की समस्या होती है, कभी कभी गला खराब हो जाता है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए ये उपाय कारगर होंगे। रोज सुबह गायत्री मंत्र का जप करें या मन में दोहराएं। चांदी के चौकोर टुकड़े पर इंग लिखवा कर गले में पहने। ज्यादा से ज्यादा हरे कपड़े पहने। रोज सुबह स्नान के बाद पीला चंदन माथे, कंठ और सीने पर लगाएं। क्योंकि बुध हमारी बुद्धि को रूल करता है, दिमाग को रूल करता है, और आपको पता है हमारे जो शरीर की बहुत सारे जो रोग हैं वो दिमाग से ही कनेक्टेड होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारी चीजों को रूल करता है, बहुत चीजों को कंट्रोल करता है। तो अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो आपके सेहत की, आपके हेल्थ की, शरीर की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो आपके दिमाग से ही ठीक हो जाएंगी। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बुध का मजबूत होना बेहद जरूरी है। बुध को बलवान करने के और कौन से महा उपाय हैं आगे जानिए। कुंडली के सबसे सुकुमार ग्रह यानी बुध को बलवान बनाने अब हम आपको कुछ महाप्रयोग बताने जा रहे हैं। शुद्ध वाणी चाहिए, तीव्र बुद्धि चाहिए, रूप सौंदर्य में निखार चाहिए, और इन सब को प्रबल करने के लिए आपका बुध स्ट्रांग होना चाहिए। और ज्योतिषी महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपके कमजोर बुध को मजबूत बनाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, गौर से महा उपाय देखिए। बुध को करें बलवान, मिलेगा तीव्र बुद्धि का वरदान। बुध को करें प्रबल, निखरेगा रूप, बने रहेंगे सौंदर्यवान। आपकी जुबान, आपके बर्ताव, आपके दिमाग और आपकी खूबसूरती के लिए एक ही ग्रह जिम्मेदार है, वो ग्रह है बुध।
बुध कहने पर एक छोटा सा ग्रह, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में बुध एक महत्वपूर्ण ग्रह के तौर पर गिना और देखा जाता है। बुध ग्रहों का राजकुमार होता है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बुध सूर्य के सबसे करीबी ग्रह और सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है। इसलिए जब किसी पे बुध की कृपा बरसती है ना, बुध की महादशा शुभ किसी के लिए साबित हो रही है, तो उसके काम तेजी तेजी बनने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी उसका सारा काम होने लग जाता है। इस वजह से किसी पे जब बुध की किसी व्यक्ति पे दृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा सुयोग हो जाता है। सबसे सुकुमार ग्रह बुध की मजबूती कैसे किसी इंसान को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है, ये तो हमने आपको बता दिया। तो यदि आप भी खूबसूरती, बुद्धि और अच्छी वाणी का वरदान चाहते हैं, तो बुध से जुड़े उपाय आपके लिए सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं। तेज बुद्धि, अच्छी एकाग्रता आपको हर क्षेत्र में अव्वल कर सकती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बुध का मजबूत होना बेहद जरूरी है। कुंडली में अगर बुध ग्रह मजबूत होता है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस करने में बहुत माहिर होता है, एक बहुत सफल व्यापारी बनता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातें समझाने में भी दूसरों को बहुत ज्यादा आसानी महसूस करता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा मैनिपुलेटर भी हो जाता है, यानी कि किसको कैसे समझाना है, किसको कैसे कन्विंस करना है, इसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना उचित रहेगा, क्या बोलना अनुचित रहेगा, इसका ज्ञान इसको बहुत अच्छे से होता है। तो जिसके भी कुंडली में बुध बलवान होता है, ऐसा व्यक्ति वाणी का धनी हो जाता है, व्यापार अच्छा करता है। अब जानते हैं ऐसे कुछ और सरल उपाय जो नियमित रूप से करके आप अपने बुध को बलवान कर सकते हैं। रोज सुबह ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्तों का सेवन करें। तुलसी के पत्तों के सेवन के बाद 108 बार ओम ऐं सरस्वती नमः का जाप करें। हर बुधवार भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाकर दूर्वा अपने पास रखें। आपको तेज बुद्धि, अच्छी वाणी और एकाग्रता मिलेगी। हमारे दिमाग का अच्छा प्रयोग करना बुध बताता है हमें। बुध नॉलेज को कैसे प्रयोग करना है ये बुध बताता है। जो हमारी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो बुध देता है हमें। बुध की वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, बातचीत करना, चाहे वो हमारे राइटिंग हो गई हमारी या फिर किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन है, वो बुध रोल करता है। तो बुध हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रह है, बहुत ही जरूरी है। हर इंसान चाहता है कि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, चेहरा हमेशा चमकता रहे, त्वचा पर कोई दाग धब्बा न हो। इसके लिए जरूरी है कुंडली में बुध की मजबूती। बुध कमजोर होगा तो त्वचा संबंधी समस्याएं परेशान करने लगेंगी। तो क्या करें उपाय जिससे आपके चेहरे का नूर बना रहे? रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों और सलाद का सेवन करें, प्रभावित जगह पर नारियल का तेल लगाएं। अगर त्वचा की समस्या ज्यादा हो तो सलाह लेकर एक ओनिक्स रत्न पहने। ये देखिए, बुध एक हरे रंग का ग्रह है और इसका जो प्रतीक कलर है, सिंबॉलिक कलर है, वो भी हरा रंग ही है। बुध ग्रह में आप बुध के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं ताकि बुध ठीक रहे, उचित रहे आपके लिए, आपकी कुंडली में। यानी एक बुध के दो पहलू हैं, जो आपके पक्ष में रहे तो आपको मालामाल कर देगा, आपको यश कीर्ति से अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा, और अगर उसने नजर फेर ली तो आपको पाई पाई का मोहताज कर सकता है। ऐसे में हर इंसान यही चाहेगा कि उसका बुध हमेशा शुद्ध रहे। तो आखिर क्या करें कि बुध की शुद्ध दृष्टि ही हम पर पड़े? किन मंत्रों का जाप देगा आपको कुंडली के बुध को मजबूती? आगे जानिए। ग्रहों में बुध ग्रह का महत्व बड़ा ही व्यापक होता है। तो अब जानते हैं कि मंत्रों का जाप आपकी कुंडली के कमजोर बुध को बलवान करने के लिए लाभकारी कैसे साबित होता है। बुध को वाणी का स्वामी माना जाता है, तो दूसरी तरफ बुध को ही सुंदर शरीर का स्वामी भी बताया गया है। आमतौर पर कुंडली में बुध की स्थिति ही तय करती है कि इंसान कैसा बोलता है, कैसा व्यवहार करता है, या फिर उसकी बुद्धि और व्यक्तित्व कैसा है। तो
तो बुध को मजबूत करने का सबसे सरल प्रयोग अब समझिए। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नित्य स्नान करें, सफाई से रहें, हल्के सुगंध का नियमित प्रयोग करें, सलाह लेकर एक पन्ना धारण करें, उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके भोजन करें। बुध इंसान को तेजस्वी भी बनाता है, तेज दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है। कि दिमाग अच्छा है किसी का, यानी बुध अच्छा है, तो बुध के फायदेमंद होने के यही सब फायदे होते हैं। मजबूत बुध आपकी कई तरह की मुश्किलों को सुलझा सकता है और एक मंत्र का जाप आपकी कुंडली के बुध को बहुत बलवान कर सकता है। जानते हैं कौन सा है वो मंत्र और कैसे करें उसका जप। बुध के मंत्र का जाप रोज सुबह रुद्राक्ष की माला से करें। उस समय अगर हरे वस्त्र धारण करें तो उत्तम होगा। मंत्र जाप विष्णु भगवान के समक्ष करें। मंत्र होगा ओम ब्राह्म ब्रीं ब्रौं सह बुधाय नमः। मंत्र जाप कम से कम 3 माह करें। बुध के अनेकों मंत्र हैं, पर जो बुध का एकमात्र बीज मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप आप करके प्रतिदिन 108 बार, इसमें आप कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला या रुद्राक्षी माला से 108 बार जाप करके अपने खराब बुध को भी अच्छा कर सकते हैं और अच्छे बुध को और अच्छा कर सकते हैं। बुध ही बुद्धि है, बुध ही बिजनेस है, बुध ही बुद्ध भी बनाता है। जब बुध कमजोर हो जाते हैं तो इंसान बुद्ध हो जाता है, समझ में नहीं आती उसको चीजें, थोड़ा सा धीरे धीरे समझने वाला व्यक्ति बन जाता है। इसलिए बुध ग्रह एक बहुत ही लाभकारी ग्रह है। तो इन विशेष उपायों को करके आप भी अपने बुध को करें बलवान और पाएं बुद्धि विवेक एकाग्रता और मीठी वाणी का वरदान। तो बुध को किस प्रकार आप बलवान बना सकते हैं, ये आज के इस खास एपिसोड में आपने जाना। इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जीएनटी यानी कि गुड न्यूज़ टुडे।